सुबह की टेस्टी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग पोलोमैक्स होटल से करीब 9:30 निकल चुके हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के लिए। पोलोमैक्स होटल से यूनिवर्सिटी का सफ़र बाई कार अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर की है। हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। शानदार एंट्री के साथ यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही बनती है। कैंपस के अंदर ही बच्चों से लेकर स्टाफ मेंबर्स के लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। कैंटीन, स्विमिंग पूल, हेल्थ सेंटर, यूज इंडोर एंड आउटडोर प्लेग्राउंड, जिम से लेकर लाइब्रेरी तक। हम लोग ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं। सारे पेरेंट्स अपनी बारी आने की वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टोकन सिस्टम है। और ये है मेन ऑफिस जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होना है। स्माइल देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि मनचाहे ब्रांच में एडमिशन हो गया है। अब हम लोग हॉस्टल के लिए निकल चुके हैं जो यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है। हॉस्टल का कमरा सेट करने के बाद हम लोग लंच के लिए मेस जा रहे हैं। जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तब तक स्टूडेंट्स के साथ आए सारे लोग लंच कर सकते हैं। बस आपको मिनिमम प्राइस पे करना होगा। अब हम लोग पीवीआर मॉल के बेसमेंट में स्पेंसर्स सुपरमार्केट है वहां आ गई हूँ जो सिविल लाइंस में स्थित है। क्योंकि कुछ सामान जो फ्लाइट में लाने की परमिशन नहीं है वो परचेज करना बाकी है। सिविल लाइंस में ही बाटी चोखा फैमिली रेस्टोरेंट स्थित है। हम लोगों को इलाहाबाद का कुछ स्पेशल फूड खाना था इसीलिए हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट चूज किया। आप देख सकते हैं यहाँ का इंटीरियर बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव में आ गए हैं। ये रेस्टोरेंट आपको आपके गांव की याद दिला देगी। पत्तल में खाना, वो भी लिट्टी चोखा या बाटी चोखा, खिचड़ी, दाल चावल, खीर के साथ साथ चाइनीज फूड भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इलाहाबाद एक्सप्लोर करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।